व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पेगेटी, जो कि बहुत सिंपल है। आपके घर में वेजिटेबल ना हो, चिकन ना हो, तो आप ये इजीली बना सकते हैं। अगर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं ऐड कर रही क्योंकि ये सिंपल भी बहुत टेस्टी बन जाते हैं। तो बनाने के लिए चाहिए होगा एक पैकेट स्पेगेटी, एक टोमेटो पेस्ट का पैकेट, एक छोटी प्याज और एक चिकन क्यूब। चलिए अब हम स्पेगेटी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पेगेटी को एक गर्म पानी में बॉईल करने के लिए रख देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। एक पतीली में पानी रख दिया था जो कि बॉईल हो चुका है। अब इसमें मैं एक चम्मच नमक ऐड करूँगी। ये एक चम्मच मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और अब मैं इसमें ये स्पेगेटी ऐड करूँगी। स्पेगेटी के मैंने सेंटर में से दो पीस कर लिए, इन्हें मैंने तोड़ लिया था और अब मैं ये इसमें डालूँगी। जब ये बॉईल होगी तो हम इसे निकाल लेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा आपने इसे हाफ डन रखना है ताकि वो अच्छी लगे। ये 5 से 8 मिनट तक ये बॉईल हो जाएगी, फिर हम चेक करेंगे। तब तक मैं इसका मसाला बना लेती हूँ। तो मैंने एक पतीली में प्याज शामिल की, बारीक कटी हुई। इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ये टोमेटो पेस्ट ऐड करूँगी। बहुत क्विक और बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई मसाले ऐड नहीं होंगे, कुछ भी ऐड नहीं होगा, बहुत टेस्टी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं पानी से, छान लेंगे। छानने के बाद हम ये मसाले में ऐड करेंगे। ये स्पेगेटी को मैं एक छन्नी में छान लेती हूँ। ये स्पेगेटी को मैंने छान ली है, अब ये मैं मसाले में ऐड करती हूँ। और ये स्पेगेटी मैं मसाले में शामिल कर रही हूँ। हमें कर दी स्पेगेटी इस मसाले में, अब इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। व्यूवर्स, तो ये देखिए मैंने मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब ये कितना जूसी है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी। मैं दम पे इसे 5 मिनट डिश आउट करूँगी। मेरी दम पर आ चुके हैं, ये अच्छे से दम हो गया है। चिकन स्पेगेटी रेडी है। बहुत इजी, बहुत क्विक रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।